अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं रुखसाना मसूद, रेमेडीज विद रुखसाना में हर बार की तरह बहुत ही ज़बरदस्त सी रेमेडी लेके आई हूं एंटी एजिंग स्किन के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये मास्क है और आपको मैं एक और टिप भी बताने वाली हूं। बस आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है इंशाल्लाह ताला। इस मास्क से पहले अगर वो वाली टिप आप यूज़ करते हो तो बस फिर आपकी स्किन से रिंकल्स जो है वो भी इंशाल्लाह ख़त्म होंगे और आपकी स्किन का कलर भी फेयर होगा और जो डल स्किन आपकी हो रही है तो उसको भी ये ठीक करेगा इंशाल्लाह ताला। ये बहुत ही ज़बरदस्त सा मास्क है, ये ना सिर्फ आपके कलर को फेयर करने के लिए या रिंकल्स को रिमूव करने के लिए बल्कि आपकी जितनी भी डल स्किन हो जाती है या वो मेरी सिस्टर्स जो 30+ से ऊपर होती हैं और वो कुछ यूज़ नहीं करती, ना ही क्रीमें वगैरह यूज़ करती हैं, बस फिर वो ये वाला मास्क यूज़ करें तो उन्हें इसके रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे मिलेंगे और इंशाल्लाह ताला आपकी जो एज है ना इंशाल्लाह ताला उससे आप 4-5 साल जो है ना वो कम ही लगेंगी। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं आपको जो टिप बताने जा रही हूँ, फर्स्ट आपने ये वाली टिप जो है ना वो करनी है। ठीक है जी। अब आपने 2 टेबल स्पून राइस फ्लोर ले लेना है, ये बाज़ार से ईजिली आपको मिल जाएगा अगर, और आप इजीली जो है ना इसे घर में ब्लेंड भी कर सकते हो। चावलों को आप ब्लेंड करके तो उसे आप छान लें तो वो इजीली आपके घर में जो है वो चावलों का आटा जो है वो तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने 2 टेबल स्पून भर के जो है वो राइस का आटा ले लेना है। अब आपने क्या करना है, टमाटो जो है वो एक स्लाइस में आपने ले लेना है जैसे कि मैंने लिया हुआ है। इस तरीके से आप चावलों का आटा लगाएंगे और उसके बाद आपने इसका मसाज करना है। ठीक है, अपने फुल फेस पे, नेक पे अच्छे से आपने इसका मसाज कर लेना है। अच्छा जी, इसके फ़ायदे मैं आपको बता देती हूँ। एक तो आपका जो फेस है, रिंकल्स है, इंशाल्लाह उसको ये टाइट करेगा और फेस को वाइट बनाएगा, इंशाल्लाह ब्राइट बनाएगा। बहुत ज़्यादा अगर डल स्किन हो जाती है तो इंशाल्लाह उसको ठीक करेगा, पिगमेंटेशन भी हो रही है उसको भी ठीक करेगा इंशाल्लाह ताला। और ये आपने स्क्रब करना है। ठीक है जी, यानी कि आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करेगा इंशाल्लाह ताला। और जब आप इसका स्क्रब कर लोगे, जब ये ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद ही आपने इसे वॉश करना है। ठीक है जी, क्योंकि ये ड्राई जब होगा ना तो इंशाल्लाह आपकी स्किन जो है ना वो आपको इस तरीके से लगेगा जैसे टाइट हो रही है आपकी स्किन। तो ये टाइट हो रही है तो उसके बाद आपने बिल्कुल ड्राई करके ही वॉश कर लेना है। तो इससे आपकी स्किन स्मूथ हो जाएगी इंशाल्लाह और आप खुद देखेंगे इंशाल्लाह फर्स्ट बार से ही आपको इंशाल्लाह इसके रिज़ल्ट अच्छे मिले हैं। देखिए, घर की चीज़ें जो भी आप यूज़ करते हो ना तो उसके रिज़ल्ट आपको थोड़ी सी देर में ही मिलते हैं। ठीक है जी, क्योंकि एंटी एजिंग स्किन के लिए तो फिर यही है कि आप 1-2 हफ्ते इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। अब मैंने वॉश कर लिया है तो आप इसके रिज़ल्ट देख सकते हो माशाल्लाह से स्किन ग्लोइंग के लिए, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। और इंशाल्लाह जैसे जैसे आप यूज़ करोगे एंटी एजिंग स्किन पे तो उसके लिए भी आपको इंशाल्लाह जो है 2-3 वीक जो है वेट करें, इंशाल्लाह आपको इसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। अच्छा, ये चावलों का जो आटा था ना, आपने इसी में ही दही जो है वो ऐड करनी है। अब हम मास्क बना रहे हैं। ठीक है जी, और इसके बाद हमने इसमें 1 टीस्पून हनी ऐड कर देना है। अब ये 3 चीज़ें जो है ना आपके लिए बेस्ट हैं। ठीक है जी, ये तीनों चीज़ें जो है आपने अच्छे से मिक्स कर लेनी है। जब आप टमाटो का मसाज कर लेंगे, स्क्रब करने के बाद, ड्राई होने के बाद स्किन वॉश कर लेंगे, उसके बाद आपने ये वाला जो है मास्क अप्लाई कर लेना है। ये मास्क जो है आपकी स्किन को जो है मॉइस्चराइजर करेगा, आपके फेस से जितनी भी ड्राइनेस हो रही होगी उसको ठीक करेगा और आपकी फेस के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त सा एक वाइटनिंग मास्क भी है और एंटी एजिंग स्किन मास्क है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपने इसे लगा लेना है और हल्का सा जो है ना आपने मसाज करना है कुछ सेकेंड के लिए, फिर आप इसे ड्राई होने देना है। तकरीबन 10-15 मिनट में ये जो है बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। ड्राई होने के बाद जो है आपने इसे वॉश कर लेना है। अच्छा, अब इसका इस्तेमाल जो है आप वीक में आप 2-3 बार कर सकते हो, बेस्ट रिज़ल्ट है इंशाल्लाह ताला इसके। 1 वीक यूज़ करें 3 बार और 1 मंथ में आपको इसके रिज़ल्ट आप खुद मुझे कहेंगे कि वाकई में मैंने आपको कितनी ज़बरदस्त रेमेडी बताई है, आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे। तो अब मैंने वॉश कर लिया है। ठीक है, 10-15 मिनट के बाद वॉश कर लें इंशाल्लाह, बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट हैं। अगर आपके हैंड एंड फीट अगर बहुत ज़्यादा रिंकल्स हैं तो उस पर भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है जी, ये मास्क के बाद जो है ना आप जो है कोई सा भी मॉइस्चराइज़र लगा लें या कोई ऑयल लगा लें जैसे कि आलमंड ऑयल है, आप उसको लगा के हल्का हल्का मसाज कर लें तो बस फिर आपके ज़बरदस्त सा जो है ट्रीटमेंट घर में ही हो जाएगा। जी फ्रेंड्स, ज़रूर आजमाएँ इंशाल्लाह ताला, बहुत ही अच्छे आपको इसके बेनिफिट मिलेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अगर आज की होम रेमेडी अगर आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा, दुआओं में याद रखना और माय सेकंड चैनल माय किचन वायरल एंड व्लॉग्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब अपनी बहन को इजाज़त दें, अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।